हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब सेल्डम विद नेवर और एवर का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। यूसेज ऑफ सेल्डम विद नेवर और एवर। सो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सेल्डम वर्ड का मतलब क्या होता है। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, जो हमेशा नहीं होता है, कभी कभार, दैट इज सेल्डम। ठीक है, तो सेल्डम के साथ अगर हम नेवर यूज करें, जैसे कि सेल्डम और नेवर, इसका मतलब क्या हुआ? या तो बहुत रेयरली, यानी कि कभी कभार, या फिर कभी नहीं। ठीक है, तो इस ये दोनों का कॉम्बिनेशन सही है। कैसे सही है? जैसे अगर हम कहना चाहें टीना सेल्डम और नेवर विजिट्स अ टेम्पल, टीना मंदिर बहुत कम जाती है, या तो कभी नहीं जाती है या फिर कभी काल चली जाती है। तो ये जो मीनिंग है, इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि या तो बहुत रेयरली जाती है या फिर जाती ही नहीं है। तो सेल्डम और नेवर को हम साथ में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब भी हम ये बताना चाहें कि कोई किसी काम को या तो कभी नहीं करता है या फिर कभी काल, बहुत रेयरली कभी कर लेता है, तो इस तरह से सेल्डम और नेवर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेल्डम के साथ एवर, वो भी और के साथ, सेल्डम और एवर, ये कभी यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। क्योंकि आप ऐसा तो कहोगे नहीं कि या तो वो कभी रेयरली जाती है या फिर वो हमेशा जाती है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, राइट? कि सेल्डम और एवर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेल्डम और एवर को साथ में यूज करना चाहें तो हम बीच वाले वर्ड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सेल्डम इफ एवर। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अगर बाय चांस, मतलब कभी अगर चली गई, तो हो सकता है कभी रेयरली चली गई हो, ऐसा जब हम एक्सप्रेस करना चाहें तब हम लिख सकते हैं कि टीना सेल्डम इफ एवर विजिट्स अ टेम्पल। इफ एवर का मतलब है कि अगर कभी वो गई भी, जाए भी टेम्पल, तो वो बहुत रेयर होता है। तो सेल्डम इफ एवर का मतलब है कि अगर कभी गई, इफ एवर, अगर कभी ऐसा हुआ तो वो बहुत रेयरली टेम्पल विजिट करती है। तो मतलब ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, टीना सेल्डम और नेवर विजिट्स अ टेम्पल। मतलब या तो टीना गई भी तो कभी कभार जाती है, नहीं तो कभी नहीं जाती है। और अगर हम ये कहना चाहें कि अगर इन केस वो कभी गई तो बहुत रेयरली जाती है, तो तब हम लिखेंगे टीना सेल्डम इफ एवर विजिट्स अ टेम्पल। तो आई थिंक ये दोनों फ्रेजेस का मीनिंग क्लियर है। सेल्डम और नेवर मतलब या तो कभी कभी या फिर कभी नहीं। सेल्डम इफ एवर का मतलब है अगर कभी बाय चांस गई तो कभी कभार चली जाती है। ठीक है, तो सेल्डम इफ एवर इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकलता है, ओवरऑल जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है वेरी रेयरली, मतलब बहुत ज़्यादा रेयरली। इसको जब हम मीन करना चाहते हैं तब हम यूज़ कर लेते हैं सेल्डम इफ एवर। ठीक है, तो ये इसका बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चों को सेल्डम का मीनिंग ही समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे बच्चों को मीनिंग तो समझ में आता है बट उनको समझ नहीं आता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, ओके। यूसेज ऑफ अफकोर्स, ये अफकोर्स जो एक वर्ड है वो हम बहुत नॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब कैजुअली हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं बहुत जगह। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इसको एग्जैक्टली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो इसको हम ऑब्वियस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी कोई ऑब्वियस चीज़ हो, अब ऑब्वियस चीज़ का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी चीज़ जो सबके लिए नोन है, सबको पता है, उसको हम कहते हैं ऑब्वियस। ठीक है, जैसे कि दिल्ली इज ऑफ कोर्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये जो है एक सबके, मतलब नोन बात है कि दिल्ली में जो है सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ऑफ कोर्स यूज़ करते हैं कि दिल्ली इज ऑफ कोर्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि ये हम एक ऑब्वियस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है, ऑफ कोर्स को हम कभी भी सरप्राइजिंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात है जो ऑब्वियस नहीं है, ऐसे चीज़ों में हम ऑफ कोर्स कभी यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है, जैसे किसी ने आपसे कुछ सवाल पूछा, अब हो सकता है कि उसे नहीं पता कि जवाब क्या होगा, आपका जवाब अगर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है तो जवाब में आपको ऑफकोर्स यूज़ नहीं करना है। तो कोई भी सरप्राइजिंग थिंग्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सबके लिए नोन नहीं है, ऐसे चीज़ों में ऑफकोर्स यूज़ नहीं करना है। अच्छा, ऑफकोर्स हम कई बार यूज़ करते हैं परमिशन देने के लिए, जैसे कि जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ वाइल। अगर किसी ने आपसे ये सवाल पूछा कि भाई क्या मैं तुम्हारा बुक ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या, आप रिप्लाई में क्या बोलना चाहते हो, आप परमिशन देना चाहते हो कि हाँ ठीक है तुम ले सकते हो, तो आप कह सकते हो कि ऑफकोर्स यू कैन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, मतलब आप ऐसा बताना चाह रहे हो कि हाँ ऑब्वियसली आप ले सकते हो, मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी को परमिशन देते हो ऐसे केसेस में भी आप ऑफकोर्स का यूज कर सकते हो। अच्छा, तीसरा सिनेरियो, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा किसी भी क्वेश्चन का जवाब देते टाइम जरूरी नहीं है कि आप ऑफकोर्स वर्ड का यूज करो, क्योंकि आपका जो जवाब है अगर वो क्वेश्चन पूछने वाले के लिए ऑलरेडी नोन है तब तो आप ऑफकोर्स बोल सकते हो, लेकिन अगर आपका जो जवाब है वो जो सुन रहा है उसके लिए ऑलरेडी नोन नहीं है तो वहाँ पे आप ऑफकोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछा डिड यू विजिट द मार्केट टुडे, अब आपने मार्केट विजिट किया या नहीं वो उसे नहीं पता है और इसलिए वो पूछ रहा है, इसका मतलब है आपका जो जवाब है वो उसके लिए ऑलरेडी नोन नहीं है, राइट। तो इसमें अगर आप जवाब दोगे कि ऑफकोर्स आई डिड, तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए ये ऑलरेडी नोन नहीं है कि आप मार्केट गए ही थे, ये बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं है। तो इस केस में आप जवाब दोगे कि यस आई डिड या फिर सर्टेनली आई डिड, तो इनमें से कुछ भी यूज करते हो कि ओ यस आई डिड या फिर यस आई डिड और या फिर सर्टेनली आई डिड विजिट द मार्केट टुडे, कुछ भी इस तरह का आप रिप्लाई दे सकते हो, बट ऑफकोर्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो बेसिकली जो वर्ड ऑफकोर्स है इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी ऑब्वियस चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो सबको पता है, या फिर जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर में किसी को परमिशन दे रहे हैं, या फिर जब हम किसी क्वेश्चन के आंसर में कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बहुत ऑब्वियस है। जैसे किसी ने आपसे पूछा इज इट कोल्ड इन दिल्ली टुडे या फिर इज इट कोल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, और अगर वो बात जो है सबके लिए नोन है तब आप कह सकते हो कि ऑफकोर्स इट इज। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो या फिर जब आप आंसर कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा बता रहे हो जो सामने वाले को ऑलरेडी नहीं पता है, उस समय आप ऑफकोर्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हम ये जो वर्ड है ऑफकोर्स इसको कहाँ और कैसे यूज करते हैं। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.